इलेक्शन का दौर चल रहा है और चुनाव का प्रचार प्रसार हो रहा है और हम भी चुनावी यात्रा पर निकले हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बहुजन राजनीति में कितनी तेज़ी आई है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को टिकट तो दे दिए हैं, लेकिन उम्मीदवार किस तरीके से काम कर रहे हैं वो आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। इस वक्त हम मढ़ विधानसभा में हैं और यहाँ पर जगदीश भगत जो हैं ये बसपा के कैंडिडेट हैं और यहाँ पर इनके साथ लोग हैं, मीटिंगें लगातार चल रही हैं मढ़ विधानसभा में। इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है, बहन जी के मैसेज को किस तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है और लोग बहुजन समाज पार्टी को कैसे देख रहे हैं। जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। थैंक यू सर। जगदीश जी, जय भीम भारत। जगदीश जी कैसे देख रहे हैं आप, आपको टिकट दे दी गई है बसपा की ओर से और अब आप उम्मीदवार हैं उनके, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का रिस्पांस क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं कि बसपा को वोट देने से पहले कोई सवाल कोई जवाब जो आपसे पूछ रहे हों लोग? सर देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी है ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन है और हम दबे कुचलों का मतलब की नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिदिन मतलब कर रहे हैं। तो हमें सर पूरे विधानसभा में माढ़ में इन्होंने कांग्रेस को भी जिताया, बीजेपी को भी जिताया, एनसी को जिताया, लेकिन इस बार इन्होंने सभी से जब मैं मिल रहा हूँ कहते इस बार हमने मन बनाया हुआ है कि हम बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट को जिताएंगे। ये लोगों का कहना है, लोगों का कहना है और हम डोर टू डोर जा रहे हैं। कम से कम 5-7 जो मेरी टीमें हैं वो डोर टू मतलब डोर जा रही हैं। जगदीश भाई मुझे एक चीज़ बताइए कि बहुजन समाज के लिए काम करना या फिर बहुजन समाज पार्टी को लोगों तक लेके जाना और लोगों को उस मिशन को समझाना, इसमें कैसा रह रहा है, लोगों का रिस्पांस क्या है, लोग कैसे पसंद कर रहे हैं या लोग कुछ सवाल पूछते हैं आगे से कि आपका काम? देखो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जो अमीर लोग हैं उनका भी सहयोग आ रहा है, जो गरीब जनता है उनका भी आ रहा है। मैं तो कहता हूँ अगर कमजोरी है तो हमारी जो कुछ लोग उनकी है, बाकी जो हमारा समाज है उनकी तरफ से कोई कमजोरी नहीं है, वो साथ देने को तैयार है। ये जो इशारा आपने किया मैं ठीक समझ रहा हूँ जो इशारा? हाँ ठीक ठीक सर, 100% है सर, 100%। अभी भी लोग ऐसे हैं? हाँ वो आप समझ सकते हो, आप हमसे ज़्यादा मीडिया वाले हैं, मेरे से ज़्यादा आप इस चीज़ को जानते हो, लेकिन मैं 100% कहता हूँ कि हमारे पास महापुरुषों का बाबा साहब का ज्योतिराय फूले का आशीर्वाद है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लास्ट दम तक लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी का एक बार पूरे भारत में राज नीले झंडे का आएगा, बाबा साहब की विचारधारा का, ज्योतिराय फूले का, जो हमारे उनका राज हम ला कर रहेंगे एक बार। जय मेरा। जगदीश जी मढ़ विधानसभा है और विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्या काम हैं ऐसे जिन कामों को आप करेंगे, जिन वादों क्या वादे आप कर रहे हैं, जिन वादों को आप पूरा करेंगे, जो लोगों के साथ आप इस वक्त कर रहे हैं? देखिए सर बात यह है कि जो मुद्दे हैं, कांग्रेस कोई बोलता है हमें पुली बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, बीजेपी बोलता है आपको नलका लगवा देंगे। सर जो हम BSP की लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है, वो नालों की नहीं है या सड़कों की नहीं है, जिसकी सरकार है अगर हम सत्ता में आते हैं हमारी ड्यूटी है, लेकिन हम जो बहुजन समाज है इनको इज्जत मान समाज से हम जीना सिखा रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के पीछे जाते हैं। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद बीजेपी ने किया, बीपी सिंह आए जनता दल का हुआ आया राज, लेकिन हमारा समाज जो दबा कुचला है, हर एक ने धोखा दिया, लेकिन अब हमारा समाज समझ रहा है, कांग्रेस की नीति भी समझ रहा है, बीजेपी की समझ रहा है, लेकिन अब इनके जांचे में नहीं आएगा, मर विधानसभा में इनके जांचे में नहीं आएगा। हमारा समाज अब जाग चुका है, पढ़ चुका है, लेकिन हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करें, अपर कास्ट के साथ भी, जो गरीब तबका है उनके साथ भी। मुझे बताओ कि मर विधानसभा में अमीर कौन है, किसके पास मतलब कि 200 कनाल जमीन है, किसके पास मतलब कि कोई लाखों की नौकरियां, मर विधानसभा का सारा गरीब तबका है। तो मैं सभी का अगर मुझे एक बार जिताते हैं तो इनको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मुझे जब फोन करेंगे 24 घंटे में इनके लिए तत्पर रहूंगा सेवा। ये सारे नेता ऐसे कहते हैं? नहीं सर, नहीं। BSP में और उनमें फर्क है, यही तो विचारधारा है ना, यही तो फर्क है ना। बहुजन अगर ये ऐसी बात है तो मैं कितनी पार्टियां हैं, 5-7 नेशनल पार्टी हैं, 5-6 और स्टेट लेवल की हजारों की साफ याद हैं, लेकिन बहुजन जो समाज पार्टी है, इसलिए मान्यवर साहब जी को बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। कितने गांव हैं मढ़ विधानसभा में, जिन गांवों में आप जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोग कोई सवाल पूछते हैं आपसे? सर हमारा लोग बेचारा इतने काबिल हों तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी का अगर गरीब लोगों के घर जाने से 10 बारी सोचेगा,
दस बारी सोचेगा ये हमारे से सवाल पूछेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। अगर सवाल पूछने वाले हमारे काबिल हो जाएं लोग, तो मैं कहता हूँ ये जितनी भी पार्टियां हैं ये घर में घुस जाएंगी, वे बाहर नहीं निकल सकेंगी। क्योंकि आपको पता है कि जब सता समाज जाग जाता है ना, वो महलों वालों को तरफ दौड़ता है, वो बचते नहीं है। जितने भी हिटलर तो ताना साह हुए ना, ये ताना साह हो गई है, कांग्रेस भी ताना साह हो गई, बीजेपी ताना साह है। क्योंकि ये गरीब तबके को अगर कांग्रेस ने किया तो बाबा साहब के बगैर कुछ दिया आपने, जो 15% है, 7.5% एस टी ओ है, एस सी को 15% है, सब बुंजा वाले को 27 दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा यही कहने का मतलब ये है कि अभी कितने गांव कवर कर लिए टोटल, टोटल आपके विधानसभा में कितने गांव? 75% में घूम चुका हूँ। अच्छा, वो हमारी 5-7 टीमें चले तभी भी अभी लटके, अभी आपको फोन आ रहा है सुरेंद्र बख्शी जी, जनरल सेक्रेटरी। कई कई लोग पैराशूट लैंडिंग हुई है कई नेताओं की इस विधानसभा में, जिनका राजनीति के साथ दूर दूर से कोई वास्ता नहीं था, वो लोग भी राजनीति में उतरे हैं। सर ये सिर्फ बीएसपी के वो खत्म करने के लिए, मेरी बात समझिए, सारा समझ लीजिए, जो लड़ेंगे वो भी उनकी गोदी में जाएंगे, यही तो बीएसपी में फर्क है ना। बीएसपी में यही फर्क है बाकी पार्टियों को, जो जीत कर उनके पास ही जाएंगे, ये जो चाहे कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, चाहे जितनी भी पार्टी जीतेंगे, बीएसपी में विचारधारा में फर्क है, विचारधारा में फर्क है। क्योंकि अगर एक बाबा साहब थे तो पूरे संविधान लेकर गए, और पूरी दुनिया जानती है, ये इधर ही नहीं है, इंडिया में नहीं है। मान लेते हैं कि अगर आपको ये लोग जिता देते हैं, आपको विधायक बनाते हैं, पहला काम क्या करेंगे? सर पहला काम तो हम एजुकेशन का करेंगे इनका, पहला काम एजुकेशन का करेंगे, जो हमारी रीढ़ के लिए है, और नौजवानों को स्टेडियम बनाया जाएगा, हर तरीके से इनकी नौकरियों में हम लड़ाई लड़ेंगे, स्टेडियम देंगे आप, हम हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं संसार जी ये कहना चाहता हूँ, जो जातियाँ बंटी हुई है 6,700 तरते हैं, जैसे चमैर अलग होते हैं, मेघ अलग है, बटवाल अलग है, बुरवाला अलग है, बो अलग है, लेकिन मैं चाहता हूँ बाद में एक जगह स्थान पर इनको इकट्ठा करके, इनके महापुरुषों के उधर लगा स्टैचू लगा कर सभी इकट्ठे दिन मनाएं, चमैर भी मनाएं, रविदास का था उधर, सभी बरादरी इकट्ठी हों। काम क्या क्या करेंगे? एक तो आपने स्टेडियम कह दिया, और क्या करेंगे? दूसरा सर नौजवानों का फोकस रखेंगे, एजुकेशन पर जोर दूंगा, एजुकेशन हो गया, स्टेडियम हो गया, हाँ स्टेडियम हो गया, और सर जितना होगा हमारे जो अधिकार है, एमएलए के अधिकार आते हैं, अगर मिनिस्टर हमारी सत्ता आती है फिर तो कहने की जरूरत नहीं है, फिर तो नीतियों पर चलता है, वो बनाएंगे हम अपने। आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर ये जीत जाए तो क्या करें? बहुत टाइम हो गया हमें नौकरियों से अलग अलग रखते हैं, ये सारे युवा यहाँ पे जितने भी हैं सब पढ़े लिखे हैं। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं क्लास चेक गांव से हूँ, इस मड ब्लॉक का ही हूँ मैं। ये हमारे जितने भी युवा हैं, कोई एनसीसी का क्रेडिट है, कोई सब ने ग्रेजुएशन किया, मैंने खुद ग्रेजुएशन की है, बीकॉम की हुई है मैंने, मगर मेरे पास अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जिसमें मेरे को नौकरी मिल पाए, तो नौकरी हो कोई मेरे को नहीं लग रहा कुछ हो। अगर ये जीते तो शायद क्या पता हमें उम्मीद कर सकते हैं, हाँ उम्मीद तो है, तभी तो यहाँ पे इनके साथ खड़े हैं। अपना नाम बताइए। सर प्रवीण कुमार है हमारा नाम। प्रवीण कहाँ, अभी मठ से? नहीं सर, इधर क्लास जाकर में रहते हैं, मतलब मठ ब्लॉक में ही। हाँ मठ ब्लॉक में। मुझे एक चीज बताइए, सतीश जी को क्यों वोट देना है, क्या जगदीश जी को, सॉरी क्यों वोट देना चाहते हैं? अच्छे हैं सर, सिर्फ काम करेंगे और क्या। लगता है काम करेंगे? हाँ करेंगे, अच्छा करेंगे। जगदीश जी करेंगे काम इनके? क्यों नहीं करेंगे, इनके लिए तो 40-42 साल मैंने पर्सनल दिए हैं, जिंदगी के सुख दुख तो नहीं देखा। देखो अब जनता की कचहरी में है। हाँ जी सर, ठीक है, पक्का वादा है सर, पक्का वादा है, पक्का, इसमें कोई दो राय। इससे पूछ रहे थे आप ही यहीं से? जी जी, मैं एक कलूप से हूँ। अच्छा, मेरा नाम दीप कुमार है। हाँ, तो ये जगदीश जी को जानते हैं आप? हाँ इनको जानता हूँ। तो ये वोट मांग रहे हैं आजकल? हाँ, बीएसपी के नाम। जी जी, देंगे वोट इनको? जी बिल्कुल देंगे। क्यों देंगे वोट भाई साहब? क्योंकि हमने सब पे ट्रस्ट करके देख लिया, तो वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो उन पर खरे नहीं उतरे, तो इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। क्या उम्मीदें हैं इनसे? इनसे नौकरी की कर सकते हैं, क्योंकि मैं 12th की है, मैंने 12th पास हूँ, तो जो हमारे मतलब जो जीत चुके हैं उनसे जो हमारी थी उम्मीदें थी, उन्होंने तो सिर्फ झूठे वादे किए, लेकिन जब टाइम आया तो कोई ना कोई बहाना लगा के मतलब निकल जाते थे। अब एक मौका जो है वो जगदीश जी को देना। जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। अपना नाम बताओ बेटा। मन्नू शर्मा। इधर आओ ना शर्मा जी, मेरे पास आओ ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th। ये जानते हैं, नाम सुना है इनका, जगदीश जी का? वोट तो नहीं बना होगा अभी, लेकिन माहौल क्या है यहाँ पे, क्या चर्चा चल रही है मढ़ में? ठीक है। चर्चा क्या है, राजनीति पे क्या बातें हो रही हैं, आप भी देखते हैं, क्या चर्चा क्या हो रही है आजकल, आप क्या सोचते हैं किसको वोट डालना चाहिए? इनको डालना है, जगदीश जी को। हाँ जी।
जगदीश जी के हक में जो है जनता वोट डालने के लिए तैयार है, आप अपना नाम बताइए जी। नाना काका राम कलूर। नेता झूठ भी बोलते हैं? हाँ। है? नहीं, नेता लोग झूठ भी बोलते हैं? नहीं, नेता तो बोलते हैं, जिसको देखा ना उसको देख लिया जो झूठ बोलने वाले हैं। बीजेपी सब तो झूठी बीजेपी है। इसने पहले वोट बीजेपी को दिया था आपने? पहले वोट बीजेपी को दिया था, दो तीन बार दिया था। इसने वादा किया था मैं हर घर को एक लड़के को नौकरी दूंगा। तो अब नौकरी मिल गई सबको? किसी को नौकरी नहीं मिली, महंगाई इतनी किया कोई बेहद है। वो तो बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं उनके नेता की हमने नौकरियां दे दी हैं, बहुत कुछ। कोई नौकरी नहीं मिली। हाँ, फिर वादा इंदिरा आवास योजना ये मकान के पैसे आते थे। जबकि बीजेपी की सरकार आई है, एक आदमी को भी मकान के पैसे नहीं मिले। अच्छा, प्लस के पैसे बोलते थे। एक को नहीं मिले? एक को भी नहीं मिले। ये कैसे कह रहे हैं जनाब? हमारे गांव में गर्भ का। कौन सा गांव? ये कुरूब वाला। हाँ, मैं आऊँगा आपके गांव में चेक करने के लिए। एक को भी नहीं मिला। मैं आऊँगा और मुझे बुलाइए आप, मैं देखूँगा। मैं बुलाऊँगा। अच्छा, और क्या इनसे क्या डिमांड है आपकी जगदीश जी से? ये अच्छे आदमी पहले भी। मैं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। जो बात सही होगी मैं वो करूँगा। मैंने तो पहली बार देखा। आपने पहली बार देखा? देखा। इनको वोट क्यों देना भाई? क्या इसकी बहन का लड़का था, वो आता था पहले। वो बहुजन समाज पार्टी में था। तो ये भी तो बहुजन समाज पार्टी में है? नहीं, वो छोड़ कर चले गया ना। अच्छा, वो बहुजन समाज पार्टी। हाँ, उसको देखा था। आपने वोट जगदीश जी को देना है या बहुजन समाज पार्टी को देना है? ये नया बंदा आया ना। नया नहीं, पुराना 40 साल से हूं। नहीं, मैंने पहले बार देखा ना। आपने देखा? हाँ। नेताजी, जनता 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 बात करती है। मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। पहले उसको हाथ को भी दिया था एक बार। अब क्या करना है? अभी बहुजन समाज पार्टी को देना। क्यों देना? क्यों देना? बहुजन समाज पार्टी काम करती है क्या कोई आपका? काम करेगी कोई? मारे काम तो किया, काम करेगी। उसके पास कोई ताकत नहीं आई, कोई राज नहीं है। अब नया बंदा आया ना, ताकत भी इसके पास, ताकत हमारी है। मतलब अब आप ताकत देंगे? ताकत हम देंगे, काम इससे लेंगे। अब ये देखिए, जनता ने ताकत देने का मन बना लिया है, यानी कि ताकत का मतलब ये है वोट, मतदान जिसे हम कहते हैं, वो मतदान जो है अब जनता जगदीश जी को मढ़ में देने का जो है वो आश्वासन दे रही है। और जनता एक मौका देना चाहती है। अगर जनता इन्हें मौका देती है तो उन्होंने पहला कहा है कि मैं स्टेडियम बनाऊंगा, एजुकेशन पर फोकस करूंगा, नौकरियों के लिए बंदोबस्त इन लोगों के लिए करूंगा और एमएलए के पास जो जो पावर होती हैं वो सारी इस्तेमाल करूँगा ताकि इलाके में तरक्की हो, यहाँ का सुधार हो, युवाओं के लिए कुछ अच्छा हो, ऐसा इनका कहना है। अब देखते हैं कि अगर ये विधायक बनते हैं, लोग इन्हें चुनते हैं, तो ये क्या करते हैं। अब देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।